सभी सुंदर साथ को कोट आन कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 29 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग श्री। चिन्ह है क्यों कर ब्रह्म को, ए तो गुण ही के अंग के अंग को विकार। बाजी गरे बाजी रची, मूल माया थे मोह अहंकार। त्रिगुणात्मक सत्व रज तम के विकार से रचित इस मायावी ब्रह्मांड में ब्रह्म की पहचान कैसे हो सकती है। इस प्रकार जादूगर ब्राह्मक विद्या की कला से झूठा खेल रचता है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म ने मायावी आवरण खड़ा कर मोह तथा अहंकार के द्वारा झूठे नश्वर संसार की रचना की है। जाको पेड़ प्रतिबिंब प्रकृति, पांच तत्व ही को आकार। माहे खेले निर्गुण व्यापक, लिए माया मोह अहंकार। इस संसार का मूल प्रकृति में पड़ा हुआ अक्षर ब्रह्म का प्रतिबिंब है, उसी से पांचों तत्वों ने आकार लिया। इस प्रकार निर्गुण रूप में व्याप्त ब्रह्म की सत्ता माया मोह और अहंकार के साथ खेल कर रही है। लोक चौदे दसो दिस, सब नाटक स्वांग संसार। आवे नैन श्रवण मन वचन, ये सब माया मोह अहंकार। 14 लोक और 10 दिशाओं में विस्तृत यह ब्रह्मांड नाटक का ही एक स्वांग है। इस संसार में जो कुछ भी देखने सुनने कहने तथा चिंतन करने में आता है वह सब मोह माया और अहंकार का ही परिणाम है। क्या दानव क्या देवता, क्या तीर्थंकर अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश लो, सो भी पैदा माया मोह अहंकार। इस संसार में देव दानव ऋषि मुनि तीर्थंकर अवतार आदि अनेक हुए हैं, उनसे लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश पर्यंत सभी मायावी मोह और अहंकार द्वारा ही पैदा हुए हैं। अब औरन की मैं क्या कहूँ, जो बड़कों का ए हाल। जल जैसे तरंग तैसे उठे माया मोह अहंकार। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे बड़े बड़े देवताओं की यह दशा है तो अन्य सामान्य जीवों की बात ही क्या रही। ये सब माया मोह और अहंकार के प्रभाव से सागर में उत्पन्न होने वाली तरंगों की भांति पैदा होते हैं, फैलते हैं और अंत में मिट जाते हैं। जो बंद बांधे बाप ने, बेटे चले जाए तिन लार। जीव उरझे जाली छल की, ये सब माया मोह अहंकार। जैसे बाप दादाओं के द्वारा चलाई गई परंपराओं का अंधा अनुकरण उनके पुत्र करते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी जीव भी देवताओं की भांति माया में ही उलझे रहते हैं। इस प्रकार यह सारा संसार माया मोह अहंकार तथा छल कपट से परिपूर्ण है। देहुरे मसीत अपासरे, सब लगे माहे रोजगार। बाहर दिखावे बंदगी, माहे माया मोह अहंकार। मंदिर मस्जिद उपाश्रय आदि में भी स्वार्थ का व्यापार चलने लगा। उपासना और सेवा तो बाह्य रूप से ही दिखाई देती है, किंतु भीतर तो मोह माया और
अहंकार ही भरा पड़ा है। जुदे जुदे भेष दर्शनी अनेक इष्ट आचार धरे नाम धनी के जुदे जुदे पेंडे चले माया मोह अहंकार। विभिन्न संप्रदायों के शास्त्रज्ञ पृथक पृथक प्रकार के वेश धारण कर पृथक पृथक आचार विचार से अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं। वे एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार माया मोह और अहंकार से ग्रस्त होकर विभिन्न पंथ चल रहे हैं। खोज खोज षष्ठ शास्त्र हुए अनेक वचन विस्तार कर्म उपासना ज्ञान की वाणी थकी माहे माया मोह अहंकार। संसार में प्रचलित ज्ञान छानबीन होने के बाद षट दर्शनी की रचना हुई है। उन्हीं का विस्तरण होकर अन्य शास्त्र रचे गए जिनमें कर्म उपासना और ज्ञान की चर्चा की गई है। उनके उपदेश भी माया मोह और अहंकार में ही थक गए। शब्द सुने एक दूजे के फेर फेर करे विचार कीव कर नाम धरे अपने सब मगन माया मोह अहंकार। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे ज्ञानी जन एक दूसरे के सिद्धांत ग्रंथों में अभिव्यक्त ज्ञान को सुनकर परस्पर विचार भी करते हैं। अलग अलग पदों की रचना करके मान्य कवि के रूप में ख्याति भी प्राप्त करते हैं, तथापि वे सब माया मोह और अहंकार में ही मग्न होकर खेल रहे हैं। ये वाणी कथे सब अगम माहे गुज शब्द है पार सोए कैसे समझ ही मोहरे माया मोह अहंकार। ऐसे ज्ञानी जन अगम्य परमात्मा की चर्चा करते हैं तो उनके वचनों में भी पार के गूढ़ संकेत मिलते हैं। उन रहस्यों को वे स्वयं ही कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि वे भी तो माया मोह और अहंकार में ही नाचने वाले हैं। या में जीव दोए भांत के एक खेल दूजे देखन हार पहचान न होवे काहू को आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार। इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक हैं खेलने वाले और दूसरे हैं खेल को देखने वाले, परंतु उन दोनों में से किसी को भी परस्पर की या खेल की पहचान नहीं होती, क्योंकि उनके बीच माया मोह और अहंकार का पर्दा व्यवधान बना हुआ है। एक खेल किया जिन खातर सो तो है कोई सिरदार जो लो न होवे जाहिर तो लो उड़े न माया मोह अहंकार। इस संसार के खेल की रचना जिनके लिए की गई है वे तो कोई शिरोमणि ब्रह्म आत्माएं ही हैं। जब तक वे प्रकट नहीं होगी तब तक माया मोह और अहंकार की ज्ञान का पट दूर नहीं हो पाएगा। ऐसे खेल अनेक एक खीन में करे आज्ञाएं करतार सो करतार ठौर क्यों पाइए जो लो उड़े न माया मोह अहंकार। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से अक्षर ब्रह्म इस प्रकार के अनेक खेल एक ही क्षण में बनाते हैं और मिटाते भी हैं। जब तक माया मोह और अहंकार का पट दूर न हो तब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्थान परम धाम कैसे पाया जाएगा। महामत होसी सब जाहिर मिले अक्षरातीत भरतार वैराट होसी न चल उड़ियो माया मोह अहंकार। महामती कहते हैं अब वे शिरोमणि ब्रह्मात्माएं प्रकट होगी, क्योंकि
अक्षरातीत धाम धनी पूर्ण ब्रह्म मुझे मिल गए हैं। अब वह विराट ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा, क्योंकि अब माया और अहंकार का आवरण हट गया है। प्रकरण 30 चौपाई 358। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 30 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।